गुड मॉर्निंग। कल हम जो टोल बॉक्स बोल रहे था उसके बीच में कट हो गए, माफी पूछ रहा हूँ। वीडियो का क्वालिटी को वजह से हुआ होगा, माफी कर दीजिए। हम लोग कल सेफ्टी चार तरीके करके बोला था, सेल्फ सेफ्टी, अदर सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। ये चारों एक ही जैसे पालन करने वाला को अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बोल सकते हैं, अच्छा सेफ्टी से बोल काम करने वाला करके बोल सकते हैं। एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर का, नहीं तो उसके अंडर जो जो आप में लोग काम करता है उसे पालन करने वाला फॉरमैन, नहीं तो सुपरवाइजर, नहीं तो सुपरटेंडेंट, नहीं तो कोई भी होने दो, उसे एक अच्छा सेफ्टी टीम को पालन करना है करके बोलना है तो चार तरीक सेफ्टी पूरा होना चाहिए। सब लोग हमेशा भूल के सेफ्टी बोलो तो अपना सेफ्टी है, सेल्फ सेफ्टी है करके बोल रहा। हम लोग दूसरा सेफ्टी के बारे में, मतलब अदर सेफ्टी के बारे में बोलना समय हम लोग बोला था, ग्राइंडिंग करना समय दूसरे आदमी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, वो लोग भी नज़दीक काम करता है करके सोच के काम करना चाहिए। वैसे सब काम ऐसे ही, वेल्डिंग करना भी समय भी ऐसा भी है, दूसरे आदमी लोगों को उसको लाइट नहीं लगना चाहिए, उसको भी उस पाथर नहीं गिरना चाहिए। शायद ग्राइंडिंग का आवाज आता है तो हल्का दूर पर एक बोर्ड लगाना चाहिए कि उस बोर्ड में लिखना है नॉइस, नहीं तो वेयर ईयर प्लग पहनो, नहीं तो आवाज है नॉइस है, ऐसे कुछ भी नोटिस लगाना पड़ेगा, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, वो भी दूसरे आत्म लोगों के लिए अदर सेफ्टी है, वो भी अपन पालन करना है। हर एक ऑपरेशन में अदर सेफ्टी भी देखने के, सेल्फ सेफ्टी जैसे देखता है वैसे अदर सेफ्टी देखने के, मार्किंग करना समय देखने के, कटिंग करना समय देखने के, बेंडिंग करना समय देखने के, नज़दीक बेंडिंग करना समय नज़दीक दूसरा कोई आएगा तो वो लोगों को खतरनाक होने की संभावना है। जो जगह पर बेंडिंग करता है, रोलिंग करता है, उस जगह पर बैरिकेड लगाना चाहिए, उसके अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। बेंडिंग के लिए ऊपर नीचे आने वाला पंज, नहीं तो डाई, ऐसे कुछ भी दूसरे किसी को भी लगने के लिए चाहिए संभावना है। वैसे प्लेट बेंडिंग होना समय उड़ने से, नहीं तो नीचे आने से, वो भी खतरनाक होने की संभावना है। जिसने स्किल्ड वर्कर है, जिसको उस काम के बारे में जानकारी, वो आदमी नहीं तो वो आदमी लोग वो मशीन का नज़दीक काम करना चाहिए। वो तो सब अभी बैरिकेड लगाएगा तो चारों साइड वार्निंग टेप लगाएगा तो वो अदर सेफ्टी अपन मानता है, वो ही उसका मतलब। सेल्फ सेफ्टी, अदर सेफ्टी, तीसरे सेफ्टी को मटेरियल सेफ्टी बोलता है। अपन जो मटेरियल में काम करता है वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। जब उसका सबसे लास्ट तक काम करेगा उसी समय तक वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नया मटेरियल मिलना समय जैसे होगा वैसे होना चाहिए, वो मटेरियल से एक जॉब बना के वापस देना समय, वो सत्यनाश नहीं होना चाहिए। उसका मतलब मटेरियल को संभालने के लिए अपन समझना चाहिए। शायद स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है तो उसमें पायर लगाएगा तो शू पहन के, नहीं तो दूसरे कुछ भी पहन के पायर लगाएगा तो उसमें स्क्रैचेस आएगा, मार्किंग आएगा, कोई भी आदमी दूसरे आदमी को बोलने की संभावना है कि एक मार्क आएगा तो एक स्क्रैचेस आएगा तो क्या है। आप तो एक अच्छा फैब्रिकेटर है, एक अच्छा वेल्डर है,
एक अच्छे एरेक्टर है, ऐसे कुछ भी जान के अपने को इंटरव्यू करके इधर लेके आया है। आप स्किल्ड वर्कर है करके जान के, स्किल्ड वर्कर एक मटेरियल में छूएगा तो वो मटेरियल कभी भी सत्यनाश नहीं हो जाएगा। स्क्रैचेस होना बोलेगा तो सत्यनाश के एक छोटा रूप है, कैसे भी सत्यनाश नहीं होना चाहिए। आप तो उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। जब मैं पहले दूसरे कंपनी में काम करता था, वो कंपनी में पहुंचने के पहले गेट में ऐसे लिख के रखा है, एफिशिएंसी मेक्स लाइफ ईजियर, एफिशिएंसी मेक्स लाइफ ईजियर। अपना जिंदगी आसानी होना है तो, खुश होना है तो हमको निपुणता होना चाहिए, नैपुण्य होना चाहिए। जो काम करता है उसको ऊपर अपने को प्रतिभा होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए, नैपुण्य होना चाहिए। आपको निपुणता है, नैपुण्य है, प्रतिभा है, उसके बारे में जानने के बाद आपको इधर लेके आया है। इधर आने के बाद आप न जानकारी का जैसे व्यवहार करेगा तो वो तो एक सेफ्टी का सबसे बड़ा विषय है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका मतलब जो काम में आपको बैठाया है उसको ऊपर आप सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। उसके बारे में जैसे आपको जानकारी बना सकता है वो बनाते ही रहो। कितना जानकारी बनाते ही रहेगा तो भी आपका जानकारी कभी भी कम होने वाला नहीं है, नहीं तो गतम होने वाले नहीं है। आगे के लिए पढ़ेगा तो तब मालूम पड़ेगा फिर भी पढ़ने के लिए कितना बाकी है करके, फिर भी आगे पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कितना बाकी है करके। एक कहानी में इसे बोलता है कि 10 क्लास पढ़ा हुआ आदमी, 10 क्लास पास हुआ एक आदमी, उसके मन में एक चिंता है कि मैं सब पढ़ा है, मुझको सब मालूम है, मैं ये पृथ्वी का, ये भूमि का सबसे बड़ा जानकारी वाला है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैं साइंस पढ़ा है, मैं सोशल स्टडीज पढ़ा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा है, ऐसे बहुत मैं पढ़ा हूँ, मुझको सब विषय के बारे में जानकारी है। लेकिन ये आदमी 10 क्लास के बाद +2 में जाता है, नहीं तो प्री डिग्री में जाता है, उसी समय 10 क्लास में जो जो पढ़ा था वो पूरा वो +2 में नहीं पढ़ते। कोई भी एक विषय में एकाग्रता रखे पढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन रखे पढ़ता है। मतलब 10 क्लास में बहुत सब्जेक्ट है तो उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेता है, शायद मैथमेटिक्स लेता होगा, उसके साथ सब सब्जेक्ट सब्जी विषय उसका पास नहीं होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, पहले पढ़ा हुआ सोशल हिस्ट्री नहीं होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा, भाषा भी पूरा नहीं होगा, शायद एक सेकेंड लैंग्वेज करके हिंदी नहीं तो ऐसे कुछ लैंग्वेज होगा। 10 क्लास में जो पढ़ा था वो तो पूरे नहीं है, सब्जेक्ट कम हो गया, लेकिन जिसके बारे में पढ़ता है उसके बारे में फिर भी कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता है, एकाग्रता रख के पढ़ता है। शायद मैथमेटिक्स में 10 में जो पढ़ा उससे ज़्यादा पढ़ता है, उसमें एकाग्रता रख के उसका अंदर जो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बहुत पढ़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर एक कैलकुलस जैसे एक उप विषय है तो उसके बारे में पढ़ता है। मैथमेटिक्स का अंदर ओल्जब्रा करके एक दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके बारे में अलग पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है, एकाग्रता उसको ऊपर रख के पढ़ता है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही पढ़ता है, तब उसको मालूम पड़ेगा मुझको उतना तो जानकारी नहीं है। जब मैं 10 क्लास पढ़ा था तब मुझको जितना जानकारी था उतना तो जानकारी नहीं है, खाली एक सब्जेक्ट एक विषय के ऊपर इतना पढ़ना है तो
दिस क्लास में मैं पढ़ा हुआ अलग सब्जेक्ट के बारे में, अभी मैं जो नहीं पढ़ता है दिस क्लास में मैं पढ़ा था उस सारे कितना सब्जेक्ट है उसका अंदर भी सागा है, उसका अंदर भी पढ़ने के लिए इतना बाकी है। उसी चिंता आएगा कल का, उसका गर्व उससे निकल जाएगा। वो 2 साल के बाद वो डिग्री के लिए जाता है, बीएससी के लिए जाता है, बीए के लिए जाता है, बीकॉम के लिए जाता है, तब क्या होता है? जब प्लस टू के लिए पढ़ा था उस सब्जेक्ट से विषय फिर भी कम होता है, कम होता है तो भी जिसके बारे में पढ़ता है उसके बारे में एकाग्रता रखे, कॉन्सेंट्रेशन रखे पढ़ता है। उसके एक छोटा विषय है तो वो छोटा विषय के अंदर जितना ब्रांच है, जितना सागा है, उसके बारे में बहुत पढ़ता है। प्लस टू में 2 साल पढ़ा है तो डिग्री में 3 साल पढ़ता है। मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होगा, नहीं तो अलजेब्रा के बारे में होगा, वो भी ऐसे नहीं तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में होगा, हीट के बारे में होगा, उसमें पढ़ता है तो बहुत सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, एक सब्जेक्ट पढ़ता होगा, नहीं तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ता होगा जिसके बारे में पढ़ता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रख के पढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन ऐसा है तो उसी समय उसको याद आएगा मैं प्लस टू में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट बहुत है लेकिन अभी डिग्री में पढ़ने वाला सब्जेक्ट उससे कम है तो भी कॉन्सेंट्रेशन रख के पढ़ता है। ऐसा है तो मैं नहीं पढ़ा हुआ अलग सब्जेक्ट कितना बाकी है प्लस टू में, ऐसा वाला सब्जेक्ट पूरा गिनेगा तो कितना आएगा, कितना पढ़ने के लिए बाकी है, मुझको जानकारी बहुत कम है, ऐसे वाला कितना जानकारी मुझको होना चाहिए, ऐसे वाला चिंता फिर भी आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने के समय। उसी समय फिर भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, फिर भी उसको जानकारी मिलता है मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, माइंड फिर भी पढ़ने के लिए बाकी है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा एम फिल के लिए जाता है, डॉक्टरेट लेने के लिए जाता है, सबसे लास्ट डॉक्टरेट लेने समय वो क्या पढ़ता है? एकदम छोटा एक विषय के ऊपर लेकिन उसके ऊपर फैला के पढ़ता है, पूरा पढ़ता है। सब्जेक्ट एक छोटा होगा, अभी फिजिक्स के अंदर एक सब्जेक्ट है मटेरियल्स, मटेरियल के अंदर का एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर का एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के अंदर भी फिर भी एक सब्जेक्ट है आर्गन इलेक्ट्रोड शायद। डॉक्टरेट लेना समय आप लोग पढ़ने वाले एक सब्जेक्ट इतना छोटा सब्जेक्ट के बारे में होगा, इलेक्ट्रोड के बारे में, आर्गन इलेक्ट्रोड के बारे में, आर्गन इलेक्ट्रोड शायद उसका भी अंदर एक सब्जेक्ट है तो शाखा बना सकता है, तो उसके अंदर का एक शाखा के बारे में खूब पढ़ता है, फैला के पढ़ता है। ऐसा है तो ऐसा वाला कितना सब्जेक्ट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में होगा, डिग्री लेवल में होगा, प्लस टू डिग्री लेवल में होगा, एसएसएलसी लेवल में होगा, इसके लिए जानकारी बढ़ना चाहिए, वो बढ़ाते ही रहना चाहिए। मैं एक काम करता है, मैं पैसा मिलने के लिए काम करता है, वो ये मेरा धर्म ऐसे एक चिंता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो जानकारी है आज, जो जानकारी है वो जानकारी कल फिर भी बढ़ते ही रहना चाहिए। बढ़ने वाला आदत, प्रगति मिलने वाला आदत खाली एक जीवी को है ये भूमि में, वो जीवी को बोलता है इंसान। क्या फर्क है इंसान और जानवर में? मैं उसी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो अलग अलग आप लोग अलग अलग जवाब देगा, ये फर्क जानवर और इंसान से, दूसरा आदमी दूसरा फर्क बोलेगा। ऐसे बोल के एक बार ऐसे पूछा था, बहुत आत्म लोग बहुत बोला था, सबसे लास्ट बार आप लोगों को कुछ भी बोलने के लिए नहीं मिला, सबसे लास्ट वो एक फर्क बोला,
जो फर्क वो बोला सबसे अच्छा फर्क भी था उसका हिसाब से, वो जो बोला वो फर्क ऐसे ही। बहुत सालों के पहले ये प्रपंच में जीवियम पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ, जानवर पैदा हुआ, चिड़ियां पैदा हुआ, मछलियां पैदा हुआ, सब पैदा हुई। उसी समय चिड़ियों के बारे में अभी सोचो, जब पैदा हुआ उसी समय चिड़ियां जैसे उसका घर बनाता था, उसी घर देखा है क्या, कितना सुंदर है उसका घर, कितना ताकत वाला है। आज का एक इंजीनियर को ऐसे वाला एक घर बना सकता है क्या? चिड़िया बनाने जैसे एक घर एक इंजीनियर को बना सकता है क्या? कितना पड़ा है एक इंजीनियर, उसको नहीं बना सकता है। कितना कोशिश करेगा तो भी, इतना सुंदर, इतना ताकत वाला। लेकिन ये चिड़िया न बुद्धि वाला चिड़िया कैसे बनाता है, उसे कौन पढ़ाया? कोई नहीं पढ़ाया है तो भी उसको बना सकता है। जब पैदा हुआ उसी समय उसको मिला हुआ, प्रकृति से मिला हुआ एक आदत का जैसे उसको ऑटोमेटिकली उसी आदत मिला, वो प्रतिभा मिला। उस दिन वो जैसे घर बनाया था, उसको रहने के लिए घर बनाया था, वैसे ही आज का उनका घर भी। उसी समय बनाया हुआ चिड़िया नहीं है आज का चिड़िया, बहुत सालों के बाद वो बनाया है तो भी उसी समय बनाया हुआ उसका घर से कुछ ना कुछ फर्क आज का घर में नहीं है। बहुत साल ऐसे हो जाएगा तो भी फिर भी उसी साल के बाद ये भूमि में जीने वाला चिड़िया बनाने वाला उसका घर भी वैसे ही होगा। वो ये इंसान लोगों अब जानवर लोगों का एक आदत, कई आदत परमेश्वर उसको दिया है प्रतिभा, वो प्रतिभा से जो करता है वो करते ही रहेगा। लेकिन इंसान ऐसे नहीं है। बहुत सालों के पहले वो जब पैदा हुआ उसी समय बनाया हुआ घर का जैसे है क्या? नहीं तो दूसरे एक मशीन के जैसे है क्या? वो भी नहीं तो दूसरे एक दूसरे आविष्कार किया हो बहुत चीज उसमें से एक चीज के जैसे है क्या आज का कुछ भी? घर के बारे में सोचो, जब उन्होंने पैदा हुआ उसी समय बनाया हुआ घर के जैसे है क्या आज का घर? फर्क उसमें होता है, हर दिन फर्क होता है, होते ही रहता है। आज बनाया हुआ फर्क घर के जैसे नहीं होगा, कल नहीं तो परसों, वो भी नहीं तो कई सालों के बाद उस समय का इंसान बनाने वाला। उसमें वेग मिलता है, एक्यूरेसी मिलता है, सुंदरता मिलता है, सुंदर है सब कुछ उसमें। वो ये दो बहुत बड़ा फर्क में, सबसे बड़ा फर्क में एक फर्क जानवर और इंसान का फर्क। कल जैसे बनाया था वैसे आज नहीं बनाता है, आज जैसे बनाता है वैसे आने वाला कल नहीं बनाएगा। एक कामगार उसको यही आदत होना चाहिए। आप सोचना चाहिए, मैं एक इंसान है, चिड़िया जैसे घर बनाने वाला नहीं है। मैं आज जो बनाया, नहीं तो कल मैं जैसे बनाया उससे कुछ ना कुछ अच्छा फर्क आज के काम में होगा। शायद मुझको कल काम किया हुआ समय हल्का खतरनाक हुआ होगा, छोटा दाव आया होगा, मैं अभी जाना हूँ, मैं मुझको बुद्धि है अभी आज मुझको खतरनाक नहीं हो जाएगा, मेरा वजन से नहीं होएगा, आने वाला कल उससे भी अच्छा दिन होगा। उसी चिंता हर आदमी लोगों को काम करना समय होना चाहिए, प्रगति अपने जिंदगी में होना चाहिए, वैसे ही जीना चाहिए। वैसे जीने वाले एक आदमी मेटीरियल को भी संभालना चाहिए,
मटेरियल सत्यनाश नहीं होना चाहिए। माइंड जिसमें पकड़ता है शायद माइंड लोकन में पकड़ता होगा, जिंक में पकड़ता होगा, आयरन में पकड़ता होगा, काला वाला एक लोहन में पकड़ता होगा, लेकिन मैं पकड़ूं तो वो चीज सोना जैसे आता है, उसे चिंता होना चाहिए। मैं पकड़ता है तो उसको जिंदगी मिलता है, वो जीतता है, वो मरा हुआ एक लोहन है। मैं पकड़ता है तो उससे बाद में बहुत फायदा आएगा, उसे चिंता सबको होना चाहिए। सत्यनाश नहीं होना चाहिए मटेरियल। एक मटेरियल सत्यनाश हो जाएगा तो तुमसे बोलता है मैं एक अच्छा फैब्रिकेटर नहीं है, मैं एक अच्छा इरेक्टर नहीं है, मैं एक अच्छा पाइप फिटर नहीं है, फिर मैं क्या है। वर्कर को तीन तरीक अलग अलग किया है, स्किल्ड वर्कर, नॉन स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर। नॉन स्किल्ड वर्कर बोलो तो काम बिल्कुल मालूम नहीं है, उसको काम के बारे में जानकारी नहीं है, उस सिग्ने वाला होगा, सिग्ना है तो सीख सकता है, नहीं तो हेल्पर का काम कर सकता है, उसे हेल्पर बोलता है, नहीं तो लेबर बोलता है। स्किल्ड वर्कर बोलो तो पूरे जानकारी वाला है, ये दोनों का बीच में आदमी है, उसको नॉन स्किल्ड बोलता है, माफ कर दीजिए, सेमी स्किल्ड बोलता है। पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन अनपढ़ भी नहीं, ये दोनों के बीच में सेमी स्किल्ड बोलता है। आप अनस्किल्ड वर्कर होने के लिए इधर आना नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड वर्कर भी नहीं होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर होना चाहिए जिसमें आपको जानकारी है, वो जानकारी उसी फील्ड में बढ़ाते ही रहना चाहिए। ऐसे करेगा तो आपको बिल्कुल गतरनाक नहीं हो जाएगा, सोचना समय सोच के काम करना चाहिए। सपन देखने के लिए मैं नहीं बोलता, जो काम करता है उसके बारे में सोचना चाहिए, मैं अभी क्या करता हूँ, अपने आप से पूछो, अपने आप से जवाब दे दो, मैं इसी काम करता हूँ, मुझको कुछ ना कुछ गतरनाक हो जाएगा क्या, अपने आप से पूछो, अपने आप जवाब दे दो, नहीं मुझको गतरनाक नहीं हो जाएगा, क्योंकि जवाब आप बोलो, कुछ भी जवाब बोलो, मैं ब्लाउज पहना है, नहीं तो दूसरा कुछ भी जवाब बोलो, ऐसे वाला क्वेश्चन पूछते ही रहेगा वो जवाब देते ही रहेगा, ऐसे चार पांच क्वेश्चन पूछते ही रहेगा वो, दूसरा कुछ पूछने के लिए नहीं है तो फिर भी पहले सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन फिर भी पूछो, तब देने वाला जवाब अलग होने के लिए कोशिश करो, खतरनाक बिल्कुल नहीं हो जाएगा। सपन मत देखो लेकिन सोचो काम करो, ऐसे वाला व्यक्ति आपको आज नहीं है, आज से हर दिन आपको मिलने दो, शुभ दिन मिलने दो, हैव ए सेफ डे।